सो गाइस बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर करने के बाद उनको अपना आधार कार्ड रिसीव नहीं हो रहा है। बहुत दिन हो चुका है, बहुत सारे लोगों का कमेंट ये आ रहा था कि भाई हमने पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर किया बट हमें अभी तक आधार कार्ड रिसीव नहीं हुआ। बोल रहे थे कि भाई पोस्ट के थ्रू आता है बट अभी तक नहीं आया है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहां पे बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना पीवीसी आधार कार्ड रिसीव कर सकते हो बिना कुछ भी किए। एंड सिंपल सा आपको यहां पे दो मेथड यूज करना है। आप सिर्फ दो मेथड यूज करोगे आपका पीवीसी आधार कार्ड डेफिनेटली आपके घर पे आ जाएगा। एक तो यहां पे आपको टोटल मैं क्लियर कर दूंगा कि आपको कैसे अपना पीवीसी आधार कार्ड रिसीव करना है। एंड सबसे बड़ी बात, आपको आधार कार्ड के रिलेटेड में कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो नीचे आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को जरूर हेल्प करूंगा एंड रिप्लाई भी करूंगा। अदरवाइज आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं सबको रिप्लाई देता हूं। कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी साइट के रिलेटेड हो गया, कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, मैं उसको सॉल्व करके देता हूं ताकि आप इजी तरीके से उसे सॉल्व कर पाओ। एंड चलिए इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि कैसे आप अपना पीवीसी आधार कार्ड को अपने घर पे मंगवा सकते हो। आपने पेमेंट कर दिया लेकिन आपका आधार कार्ड अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जितना भी प्रॉब्लम है वो सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इजी तरीके से। एंड इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने आधार कार्ड को रिसीव कर पाओगे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे एंड यहाँ पे मैंने अपने क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है। इसमें मैंने देख लीजिए आधार कार्ड का ऑफिशियल जो वेबसाइट है मैंने ओपन कर रखा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है तो आपको सिंपल सा अपने क्रोम ब्राउजर पे जाकर सर्च करना है uidi.go.in। यहाँ पे वेबसाइट का यहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा, नाम दिख जाएगा। आपको ये सर्च करते ही फर्स्ट वेबसाइट आएगा, उस पर क्लिक करना है, इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। एंड इस तरह का अगर इंटरफेस नहीं मिलता तो सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर के 3 डॉट पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कीजिए, तभी आपका ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको सबसे पहले तो यहां पे देख लीजिए आपको 3 लाइन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। 3 लाइन पे क्लिक करते ही नीचे आपको मिल जाएगा कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट का, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे देख लीजिए बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन सबसे पहले आपको यहां पे करना क्या होगा, यहां पे देख लीजिए आपको ये 3rd पे क्लिक करना है, यहां पे आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पे मैं आपको जूम करूं तो यहां पे आपको जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको 2 तरीके से यहां पे आप कंप्लेंट डाल सकते हो। एक आप यहां पे टोल फ्री यहां पे जो नंबर रहेगा उस पे कॉल करके एंड जो भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने को बोला जाएगा आप उसे फॉलो करके आप यहां पे कांटेक्ट उसको जो रहेगा मतलब कि कांटेक्ट कर सकते हो इसको यूआईडीआई कस्टमर को एंड प्लस यहां पे कंप्लेंट उनको दे सकते हो कि आपने पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर किया एंड आपका अभी तक नहीं आया है। एंड प्लस यहां पे सेकंड जो हमारे मेथड है वो मेल है, ईमेल है। ईमेल के थ्रू अगर आप करते हो, ईमेल के थ्रू अगर यहां पे कंप्लेंट डालते हो तो डेफिनेटली आपको यहां पे रिप्लाई मिलता ही है। बिकॉज ईमेल पे जो कोई भी यहां पे कंप्लेंट करता है, मेल करता है, उसको 100% रिप्लाई मिलता है देखने को। तो आपको सिंपल सा इस पे क्लिक करना है, ये ऑफिशियल इसका ईमेल है जो आधार कार्ड का यूआईडीआई का ऑफिशियल, यहां पे आपको ईमेल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको इस पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहां पे मेल पे क्लिक करना है। मेल पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपके फोन में जो भी मेल रहेगा यहां पे ओपन हो जाएगा एंड यहां पे नीचे देख लीजिए help@uidi.go.in ये आपका आधार कार्ड का ऑफिशियल मेल है। उसके बाद यहां पे आपको क्या क्या फिल करना है वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं, आप वही फिल करके सेंड कर देना। सिंपल सा यहां पे आपको सब्जेक्ट में लिखना है पीबीसी आधार कार्ड नॉट रिसीव्ड एंड यहां पे आपको कंपोज ईमेल में आपको अपना पूरा जो प्रॉब्लम है वो यहां पे फिल करना है। डियर सर एंड मैडम यहां पे आपको फिल करना है एंड प्लस आपका आपको अपना ट्रांजेक्शन आईडी जो रहेगा, जो एसआरएन नंबर जो रहता है जिससे आप अपना आधार कार्ड ट्रैक कर सकते हो, वो आपको यहां पे फिल करना है। फिल करने के बाद आपको यहां पे अपना प्रॉब्लम लिखना है कि हमने अपना पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर किया था, आपका नाम जो भी आपका नाम रहेगा इस नाम से एंड यह आपका आधार कार्ड नंबर था बट अभी तक हमें पीवीसी आधार कार्ड रिसीव नहीं हुआ है एंड यहां पे वो रीजन भी पूछना है कि इतना लेट क्यों हो रहा है, किस रीजन से हमें अभी तक नहीं मिला है। जो भी आपका प्रॉब्लम है वो यहां पे लिखना पड़ेगा एंड इस यहां पे लिखने के बाद आपको सबसे नीचे में अपना जो ट्रांजेक्शन मतलब कि जो आपका पीवीसी आधार कार्ड ट्रैक करने का एक एसआरएन नंबर मिलता है वो नंबर लिखना जरूरी है। एंड लिखने के बाद यहां पे आपको देख लीजिए यहां पे एक एरो मिल जाता है, यहां पे मैं थोड़ा सा इसको जूम करूंगा तो आपको यहां पे देख लीजिए ऊपर में एक ब्लू कलर का एरो यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपका जो ये मेल रहेगा मेल चला जाएगा एंड उधर से एक मेल आपको रिप्ले में मिल जाएगा। 10 मिनट के अंदर एक मेल रिप्ले में आता है। तो इस तरह आप अपना कंप्लेंट डाल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा एंड यहां पे जो आप कंप्लेंट डालोगे
कंप्लेंट डालने के बाद आपको एक रिप्ले में मिल जाएगा कि आपका आधार कार्ड रहेगा, पूरा डिटेल लिया जाता है एंड वो मतलब कि पर्सनल डिटेल नहीं लिया जाएगा आपका आधार कार्ड का, सिर्फ यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपने कब ऑर्डर किया था, कितने टाइम पर ऑर्डर किया था, वो सब आपको डिटेल देना पड़ेगा एंड उसके बाद आपका जो आधार कार्ड रहेगा कुछ दिनों के अंदर आपके बाय पोस्ट से आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए एंड चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में हम वीडियो डालेंगे तो आप उसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर पाएंगे। एंड आधार कार्ड के रिलेटेड में कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी दिक्कत आ रहा है तो नीचे आप कॉमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा।